ये मेरे रोज़ फार्म का दूसरा ब्लॉग है। इसके एक महीने पहले मैंने आपको बताया था जब हमने इसको डेवलप करना शुरू किया था। अब ये काफ़ी कुछ डेवलप हो चुका है। देखिए फूल लगने लग गए हैं, देखिए आपको दिख रहा होगा रेड रेड पिंक कलर के, रेड कलर के आपको दिख रहे होंगे गुलाब के फूल। ठीक है, तो ये तो डेवलप हो ही गया है, फूल तो होने ही लगे हैं। आज मैं स्पेशली आपको बताने वाला हूँ कि कितने तरीके के वेजिटेबल्स, कितने तरीके की सब्ज़ियाँ हमने यहाँ लगाई हैं। यहाँ से शुरुआत करेंगे, ठीक है, सबसे पहले टमाटर से। यहाँ पर ये तीन तरीके के टमाटर की पौध हमने लगाई है। तीन तरीके के टमाटर हैं, छोटे वाले जो खट्टे होते हैं सब्जी के लिए, हरे वाले, बड़े वाले सलाद के लिए, ठीक है, और एक और वैरायटी है। तो तीन तरीके के टमाटर लगाए हैं। देखिए आप देख रहे होंगे, ये अभी ये नर्सरी है, पौध है, ठीक है, और ये बहुत जल्दी बड़ी होने वाली है तो इनको हम लगाने वाले हैं। और इशारा कुछ क्या है, ऑर्गेनिक है, ठीक है। आगे आइए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ये टिंडे लगे हुए हैं, देखिए यहाँ पर देखिए ये टिंडे लगे हुए हैं, ठीक है, और ये भी सारे ऑर्गेनिक हैं, जो कुछ भी है सारा कुछ ऑर्गेनिक है, ये टिंडे हैं। अब यहाँ पर यहाँ देखिए ये तरबूज हैं, ये तरबूज हैं, और ये दो तरीके के तरबूज हैं, ठीक है, एक लंबे वाले और एक गोल वाले, और ये भी बढ़िया तरीके से ग्रो होने लग गए हैं। यहाँ आए, यहाँ देखिए ये तोरई है, यहाँ इस लाइन में तोर बेल वाली सब्जियाँ लगाई हुई हैं, जैसे तोरई है, लौकी है, वो यहाँ पर लगाई हुई हैं। ये तोरई है, ये लौकी है, आगे तोरई भी है जो लगाई हुई है, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर ये चुकंदर भी लगाया हुआ है, चुकंदर देखिए आप, ये चुकंदर के पौधे हैं, चुकंदर है, मूली है, ये सलाद के लिए हैं, चुकंदर देख रहे होंगे आप, ये चुकंदर के पौधे हैं, ये चुकंदर है, मूली है, ठीक है। आगे देखिए और आगे आते हैं, यहाँ पर देखिए चुकंदर मूली के साथ साथ ये सलाद के लिए हैं, ये बैगन यहाँ पर, अब आगे आते हैं देखिए यहाँ पर ये बैगन भी है, ये यहाँ पर कद्दू है, ये कद्दू है, फिर यहाँ ये बैगन है, बैगन के साथ साथ फूल गोभी और बंद गोभी भी है, और जो फूल गोभी है वो ग्रीन वाला है जो कि बहुत पौष्टिक होता है। देखिए ये बैगन है ये, इसके साथ साथ लौकी भी है, ये मिर्ची है, कुछ यहीं पर शिमला मिर्च के भी पौधे हैं, वो शिमला मिर्च है, यहाँ देखिए वो शिमला मिर्च है, और यहाँ पर ये हरी धनिया है, ये तो होने भी लग गई है, टूटने लायक हो गई है, इसका यूज़ भी हम कर सकते हैं, ठीक है। शिमला मिर्च है, ये पालक है, ये पालक है, देखिए आप ये पालक है, ये भी काफ़ी बड़ी हो गई है। यहाँ पर देखिए ये भी गोभी के पौधे हैं, ठीक है, ये जो मैं अभी आपको बता रहा था ग्रीन वाला, जो फूल गोभी आता है ग्रीन वाला, ये वो है। आगे आते हैं, ये करेले हैं, यहाँ पर कुछ करेले लगा रखे हैं, देखिए करेले के पौधे हैं, करेले के साथ साथ जो बथुआ होता है हमारे यहाँ कहते हैं, उसे लगाना नहीं पड़ता, अपने आप ही हो जाता है, ये बथुआ है जो कि बहुत पौष्टिक होता है, ठीक है, पेट की सभी बीमारियाँ इससे ठीक हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी सब्जियाँ हैं, कम से कम 25 से 30 प्रकार की, और सारी की सारी ऑर्गेनिक हैं। नॉर्मली मिलना मुश्किल होता है, अगर आप सिटी में रहेंगे तो ये चीज़ें बहुत रेयर मिलती हैं, कॉमन नहीं है, और यहाँ पर कॉमन है। अब एक पूरा लुक लीजिए, आप पूरा लुक लीजिए, देखिए शुरू से लेके लास्ट तक, और फिर मुझे बताइए कि आपको यहाँ आकर फिज़िकली नहीं, मेंटली यहाँ आकर कैसा लगा, देखिए। और इसके एक महीने बाद जब ये और ज़्यादा विकसित हो जाएगा, जब सब्जियाँ आने लग जाएंगी, लगने लग जाएंगी, तब मैं फिर आपको यहाँ लेके आऊँगा।